हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर टुडेज सेशन व्हिच इज़ कंडक्टिंग ऑन वायरिंग कंपोनेंट्स टूल्स एंड सेफ्टी डिवाइसेस। इट्स अ लेक्चर नंबर 3 एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस्ड ऑन द सेफ्टी एसेसरीज। नाउ फर्स्ट वी सी द व्हाट इज़ द कंटिन्यूटी टेस्टर। Continuity tester is a device which is used to indicate whether there is a continuous path for current flow in an electrical circuit or devices. Continuity tester एक ऐसा device है जिससे हम ये देख सकते हैं कि current flow हो रहा है या नहीं कोई भी devices में, कोई भी सर्किट में, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रहा है या नहीं ये चेक करने के लिए वी यूज़ द कंटिन्यूटी टेस्टर। इट अलाउज यू टू टेस्ट कंडक्टर्स विदाउट हैविंग पावर ऑन। कंटिन्यूटी टेस्टर्स हैव देयर ओन बैटरी सप्लाइड पावर। द लाइट इन अ कंटिन्यूटी टेस्टर कम्स ऑन व्हेन इट इज सर्किट इज कंप्लीटेड बाय अ स्विच, conductor or appliances. It is important to turn off power in any circuit or part before testing it with a continuity tester. ये बहुत important है कि जब भी आप continuity tester से continuity check करते हैं तो वो devices का आपको power off करना पड़ता है। Do not use continuity tester or energized equipment or circuit. कभी भी जो रनिंग कंडीशन में डिवाइस से वहाँ पे आप कंटिन्यूटी टेस्टर का यूज़ ना करें। इट इज़ लीस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑफ ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स दैट रेसिडेंशियल इलेक्ट्रिशियन में यूज़। ये आपके घर में जो कभी इलेक्ट्रिशियन आता होगा तो आते बराबर वो जो स्विच है या जो अपना प्लग है, प्लग में टेस्टर डाल के चेक करता है आइदर देयर इज़ अ कंटिन्यूटी और नॉट। ओके, now next one is the crimping tools. So what is the crimping tools? It is a tool designed to connect a container connector at the end of the cable and the strands of the wire are placed in the metal terminal. A crimp connection provide an electrical and mechanical connections. The measure of the quality for an electrical connection is the conductivity. The measure of the quality for a mechanical connection is the pull out force. The terminal is squeezed around the strands to ensure that the wire is securely held by the terminal and there is a good electrical contact between the terminal and wires. It also has a wire cutter located near the handle to cut the wire or cable. यानी कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो कनेक्ट, यानी केबल के जो एंड है उसे कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और ये टर्मिनल जो है इसके स्क्विस्ट करने के बाद आप लोग इसका जो यूज़ है ये इधर आपको अगर कट करना है वायर तो इसके लिए भी हम लोग क्रिम्पिंग टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ क्विक, चिप, ड्यूरेबल, रिलेबल एंड डज नॉट रिक्वायर any extra materials. Picture आप देख रहे हैं, it's a crimping tools. Now next one is the SWG, यानी कि wire gauge. SWG means standard wire gauge. SWG क्या होता है? It's a instrument which is used for a measure cross section area of the wire. Insulated aluminium conductor are preferred for conduction of electricity since it has many advantages like cheap in cost, more tensile strength in comparison to copper conductors. Besides, it has a current limiting capacity as heat flowing through a wire is directly proportional to the square of current. This helps to determine heat withstand capacity of the insulation.
वायर गेज के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी वायर का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया आप लोगों को मेजर करना है तो इसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड वायर गेज का यूज़ करते हैं, और अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कैन बी सेफली कैरिड थ्रू द डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट इंसुलेशन। यानी कि अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स हम लोग मैक्सिमम करंट कोई भी केबल में से या कोई भी वायर में से अगर करंट जो फ्लो होता है इट डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड डिफरेंट इंसुलेशन ऑफ द केबल। सो इसके थ्रू हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, फिर उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो वायर में से कितना करंट या केबल में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। साइजेस अलॉन्ग विद द नंबर आर अलॉटेड एट द सर्कमफेरेंसेस ऑफ थीन स्टील शीट अकॉर्डिंग टू द डायमीटर। डिफरेंट नंबर्स आर अलॉटेड टू डिफरेंट स्लॉट्स। इट इज़ अवेलेबल इन स्टैंडर्ड साइज। ओके, इट इज़ यूज टू फाइंड द गेज ऑफ वाइंडिंग वायर्स। हम लोग गेज पता कर रहे हैं कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ये पता करने के लिए स्टैंडर्ड गेज वायर का यूज़ करते हैं। आप देख रहे हैं डायग्राम में राउंड कलर का आपको एक स्टैंडर्ड गेज वायर का इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है। इसमें स्लॉट्स है, अलग अलग नंबरिंग दी है 1, 2, 3, 4 से लेके 32, 33, 36 तक। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि वायर का जो गेज कितना है, उसका क्रॉस सेक्शनल कितना है, और इसका मेंटेनेंस क्या है। तो इसको मेंटेनेंस में आएगा ड्यू टू द थिन शीट, इट मे गेट डैमेज्ड इजीली। ये एक थिन शीट रहती है जिसके वजह से ये इजीली डैमेज हो सकती है। सो अवॉइड इट गेटिंग मिक्स्ड विथ अदर टूल्स। यानी कि अलग हम जो मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जो हमारी टूल किट रहती है, टूल्स किट में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टूल्स कैरी करते हैं। तो उसमें हम लोग अगर स्टैंडर्ड वायर गेज को रखते हैं तो वहाँ पे ये डैमेज होने के चांसेस है। तो कीप सेपरेटली स्टैंडर्ड वायर गेज, देन इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्ट एंड डस्ट। डस्ट और रस्ट से भी इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। नाउ नेक्स्ट वन इज द एसेसरीज। ओके, सो एसेसरीज, सेफ्टी एसेसरीज कौन कौन से है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हेड, फॉर हेड प्रोटेक्शन वी यूज़ द सेफ्टी हेलमेट, और फॉर आई प्रोटेक्शन वी यूज़ द सेफ्टी गॉगल्स, एंड फॉर द हैंड प्रोटेक्शन वी यूज़ द सेफ्टी लेदर ग्लोव्स, एंड फॉर द फुट प्रोटेक्शन वी यूज़ द सेफ्टी शूज़। क्या होता है कि हम लोग जब साइट विजिट, साइट वर्क करते हैं कंपनी में, हम लोग जब काम करते हैं तब हमारी सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हमारे सेफ्टी के लिए हमें ये सेफ्टी एसेसरीज वेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सेफ्टी एसेसरीज दी है, जैसे कि हेलमेट है या गॉगल्स है या लेदर ग्लोव्स है या सेफ्टी शूज़ है, तो इसका क्या क्या इम्पोर्टेंट है ये हम लोग अभी इसके बाद देखेंगे। सो सेफ्टी इज़ द प्रायर थिंग फॉर वाइल वर्किंग इन द इंडस्ट्री और वाइल वर्किंग विद द इलेक्ट्रिसिटी। नाउ नेक्स्ट वन इज द हेड प्रोटेक्शन। फॉर द हेड प्रोटेक्शन वी यूज़ द सेफ्टी हेलमेट। योर हेड इज़ अ वेरी डेलिकेट पार्ट ऑफ योर बॉडी, यू नो ऑल कि हमारा जो सिर रहता है वो बहुत ही डेलिकेट पार्ट रहता है, और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों को हेलमेट का यूज़ करना चाहिए। प्रोटेक्ट द हेड फ्रॉम द इंजुरीज। अगर मान लो जब हम लोग कंपनी में काम करते हैं तब बड़े बड़े जो नंबर ऑफ फ्लोर्स रहते हैं उसमें अगर ऊपर से कुछ हमारे सर पे गिरता है तो हमें इंजुरीज हो सकती है। फॉर प्रोटेक्शन पर्पस वी वेयर द हेलमेट। वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वालिटी। यानी कि कोई भी कंपनी जो है ये बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करती है हेलमेट की, विच इज़ अ वेरी कंफर्टेबल, सूटेबल एंड सेफ फॉर यू। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी कंपनी जो हेलमेट्स हम लोगों को प्रोवाइड करती है, तब परचेस करते टाइम हम लोगों को ये ध्यान में देना है कि इट्स अ कंफर्टेबल, सूटेबल एंड सेफ फॉर यू। नाउ नेक्स्ट वन इज द
eye protection. For eye protection, we use the safety goggles. Safety goggles surround the eye area and provide the protection in situation where working person might encounter splashing liquid, fumes, vapors, powder, dust and mist. ओके जब हम लोग कंपनी में काम करते हैं तो हमारे आजू बाजू में केमिकल या कुछ फ्यूम्स रहते हैं या वेपर्स रहते हैं या पाउडर्स रहते हैं, इसके वजह से हमारे आईज को अफेक्ट ना हो इसीलिए हम लोग गॉगल्स का सेफ्टी गॉगल्स का यूज़ करना चाहिए. सेफ्टी गॉगल्स मेनली यूजफुल टू पर्सन कन्फर्म्ड टू वर्क विथ अ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग. जब हम देखते हैं वेल्डिंग करते टाइम, देखो कभी आप लोगों ने देखा होगा तो वो गॉगल्स वेयर करते हैं फॉर द सेफ्टी प्रोटेक्शन, सेफ्टी ऑफ आई. तो इसलिए हम लोगों को जब भी हम सेफ्टी से रिलेटेड बात करते हैं तो हम लोगों को गॉगल यूज़ करना चाहिए. और मोस्टली तो जब हम वेल्डिंग का वर्क करते हैं उस टाइम तो गॉगल यूज़ करना ही चाहिए. नाउ नेक्स्ट वन इज द फॉर हैंड प्रोटेक्शन वी यूज़ द लेदर ग्लोव्स. इलेक्ट्रिकल ग्लोव्स कैन प्रोटेक्ट द वर्कर हु मस्ट टेस्ट सर्किट्स लाइव. ग्लोव्स कैन ब्रॉट फॉर वोल्टेज अप टू 500 वोल्ट्स. दिस आर क्लास 00 ग्लोव्स. ग्लोव्स मस्ट बी साइज फॉर ईच एम्प्लॉय. ग्लोव्स शुड बी टेस्टेड बिफोर फर्स्ट इशू एंड एवरी 6 मंथ आफ्टर दैट. यानी कि इसके कलर्स रहते हैं, इसके कोडिंग रहते हैं. जो हम इलेक्ट्रिकल हैंड ग्लोव्स यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं प्रोटेक्शन पर्पस. जब भी कोई वर्कर है उसको लाइव कनेक्शन चेक करने हैं उस टाइम उन्होंने हैंड ग्लोव्स का यूज़, लेदर हैंड ग्लोव्स का यूज़ करना इम्पोर्टेंट है. और ये जो हैंड ग्लोव्स रहते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज लेवल के लिए डिफरेंट क्लास कलर के यूज़ करते हैं. जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने 00 का बात किया, 00 क्लास ग्लोव्स. तो 00 क्लास ग्लोव्स के लिए 500 वोल्ट्स के ग्लोव्स यूज़ करना चाहिए. अगर आप लोग देखो कभी ऑरेंज कलर के रहते या ग्रीन कलर के रहते या रेड कलर के रहते, तो रेड कलर के लिए 1000 वोल्ट तक का सप्लाई रहता है. ग्रीन के लिए 26,500 वोल्टेज सप्लाई रहता है. तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स कोडिंग इज डिपेंड अपॉन द डिफरेंट वोल्टेज लेवल. और ये जो ग्लोव्स यूज़ करते टाइम फर्स्ट जब हम इशू करते हैं तब ये टेस्ट करके ही इशू करना चाहिए. और आफ्टर एवरी 6 मंथ ये इसका चेक होना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम लाइव काम करते हैं तब हैंड ग्लोव्स अच्छे कंडीशन में रहना ज़रूरी है. और ग्लोव्स मस्ट बी साइज फॉर ईच एम्प्लॉय, यानी कि हर एक एम्प्लॉयज के साइज के वो होना ज़रूरी है. नाउ नेक्स्ट वन इज द फुट प्रोटेक्शन. फॉर फुट प्रोटेक्शन वी यूज द सेफ्टी शूज, सेफ्टी बूट्स भी हम इसे कह सकते हैं. सेफ्टी शूज आर वन ऑफ द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. इंडस्ट्रियल सेफ्टी शूज इंक्लूड मेन सेफ्टी शूज, सेफ्टी शूज फॉर वुमन विच आर इसेंशियल इन लॉट ऑफ वर्क एनवायरमेंट. सेफ्टी बूट शुड बी वॉर्न एट ऑल टाइम्स वेन पर्सन इन एन इंडस्ट्रियल साइट. जब भी हम इंडस्ट्री में काम करते हैं या कभी आप देखो आपकी इंडस्ट्रियल विजिट अगर जाती है तो हमें फर्स्ट जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन उनकी रहती है कि स्टूडेंट्स मस्ट वेयर अ सेफ्टी शूज. देन सेफ्टी बूट्स हैज अ प्रोटेक्टिव रेइनफोर्समेंट इन द टो विच प्रोटेक्ट्स द फुट फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट और कंप्रेशन. यूजली कंबाइंड विद द मिड सोल प्लेट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पंचर्स फ्रॉम बिलो. यानी कि कभी भी हमारे पैर पे कुछ गिर सकता है. जब भी हम इंडस्ट्री में वर्क करते हैं
कोई भी बड़ा जो इक्विपमेंट है या कुछ कुछ भी हमारे पैर पे गिर सकता है, तो फॉर प्रोटेक्शन पर्पस हम लोगों को ये बूट्स का वेयर करना इम्पोर्टेंट है। और अगर द मार्किंग ऑन द बूट लेबल विल इंडिकेट द नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स दैट द बूट वॉज इंटेंटेड टू मीट एंड आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफर्ड फॉर पेनिट्रेशन, इलेक्ट्रिक शॉक, इम्पैक्ट एंड केमिकल हजार्ड्स। यानी कि बूट के ऊपर क्या दिया रहता है कि बूट के ऊपर नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कोड दिया रहता है, लेबल दिया रहता है, कि जिससे हमारे जो शूज़ हम वेयर कर रहे हैं इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल शॉक या इम्पैक्ट्स एंड केमिकल हजार्ड। सेफ्टी बूट प्रोटेक्ट्स द फूट अगेंस्ट स्किन डिसीज, कट्स, पंक्चर्स, बर्न्स, फ्रैक्चर्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्लिपिंग, कंप्रेशन, कि वह ये सभी चीज़ों से हमारा क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। इसीलिए वी शुड वेयर सेफ्टी शूज इन द इंडस्ट्री। नाउ नेक्स्ट वन इज द रबर मैट। ओके, नाउ आप ये डायग्राम, ये जो हमारी डायग्राम है या इमेज है, इमेज में आप देखो कि दोनों भी जो एम्प्लॉय है वो वर्क कर रहे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, और उन्होंने वो कहाँ पे खड़े हैं, रबर मैट पे खड़े। तो रबर मैट की ज़रूरत क्यों है? रबर मैट्स आर यूज्ड टू कवर एंड इंसुलेट फ्लोर्स फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन पर्पस। फ्लोर को इंसुलेट करने के लिए वी यूज़ द रबर मैट। एम्प्लॉय शुड यूज़ रबर मैट्स इन एरियाज वेयर देर इज़ एन ऑनगोइंग पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। हम लोगों को जब हम इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तब हम लोगों को ये नहीं पता रहता है कि कहाँ पे ब्रेक है, कहाँ पे केबल कुछ ब्रेक होता है, और ये ब्रेक होने की वजह से अगर उसका कांटेक्ट अगर दूसरे मेटालिक पार्ट से आता है या दूसरे डिवाइसेस से आता है तो हम लोगों को शॉक लगने के चांसेस रहते हैं। ये अवॉइड करने के लिए हम लोगों को रबर मैट वो एरिया में डालना ज़रूरी है। रबर इंसुलेटिंग मैट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द रबर मैटिंग विच इज़ यूज टू हेल्प प्रिवेंट स्लिप एंड फॉल, बिकॉज इट इज़ नॉट इंटेंडेड फॉर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन पर्पज़। रबर इंसुलेटिंग मैट्स विल बी क्लियरली मार्क एंड लेबल्ड एज सच। इंसुलेटिंग रबर मैट हैज़ अ स्मूथ करेज्ड एंड डायमंड डिज़ाइन ऑन वन सरफेस एंड मे बी बैक्ड विथ फैब्रिक। द बैक ऑफ द मैटिंग मे बी फिनिश्ड विद द क्लोथ इम्प्रिंट और अदर स्लिप रेजिस्टेंट मटेरियल। हमारी जो इंसुलेटिंग मैट है और हमारी सादी जो रबर मैट है, इस दोनों में डिफरेंस क्या रहता है? जो हमारी सादी रबर मैट रहती है इस पे कुछ भी मार्किंग नहीं रहता है या क्लियरली लेबल नहीं रहता है, लेकिन इंसुलेटिंग रबर मैट के पीछे हम लोगों को मार्किंग रहती है, लेबलिंग रहती है, जिससे हम लोगों को ये पता चले कि इट्स अ इंसुलेटिंग रबर मैट। और रबर मैटिंग जब भी हम यूज़ करते हैं तो रबर मैट हम लोग यूज़ करते हैं फॉर प्रिवेंशन, प्रिवेंट द स्लिप्स एंड फॉल्स, इसके लिए हम यूज़ करते हैं। इट इज़ नॉट इंटेंडेड फॉर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन पर्पज़, यानी कि शॉक लगने के लिए वो हम रबर मैट हमारी जो हमारे घर में हम देखो घर के बाहर बिछाते हैं, दैट इज़ द डिफरेंट। वो और इंसुलेटिंग रबर मैट दोनों डिफरेंट है। उसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो अलग है, इसके प्रॉपर्टीज़ अलग है। तो इंसुलेटिंग रबर मैट हैज़ अ स्मूथ, ये स्मूथ रहती है, डायमंड डिज़ाइन रहती है, और बैक साइड जो है उसका वो फैब्रिक का रहता है, तो इसके वजह से जो शॉक है शॉक लगने के चांसेस नहीं रहते। ओके, नाउ दिस इज अवर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वाई सेफ्टी इज नीडेड, और हम लोग जो भी डिवाइसेस यूज़ करें, जो भी एसेसरीज हम लोग यूज़ करें, जैसे कि सेफ्टी गॉगल्स है, सेफ्टी रबर मैट्स है, देन सेफ्टी हैंड ग्लोव्स है, सेफ्टी बूट्स है, ये सभी वेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है जब भी हम इंडस्ट्री में विजिट करते हैं, क्योंकि
क्योंकि सेफ्टी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोगों ने ये वेयर नहीं किया और हमारा कांटेक्ट अगर लाइव पार्टिकल से आ जाता है तो शॉक लगने के चांसेस रहते हैं। और कंपनी में या इंडस्ट्री में जो वोल्टेज लेवल रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, इसके वजह से हम लोगों को कुछ हानि ना पहुँचे, इसीलिए हमने ये सेफ्टी एसेसरीज का यूज़ करना ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल। और आप लोगों को अगर कुछ डाउट्स है या कुछ कंफ्यूजन है सो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।